तो दोस्तों, अगर आप किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं बांसुरी प्ले करके, आपको थोड़ा बहुत आता है और आप किसी को सुनाना चाहते हैं या फिर कुछ परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, तो उसके लिए जो बेस्ट धुन है वो है ओ माई गॉड का थीम म्यूजिक। आप लोगों की डिमांड पर मैं ये लेके आया हूँ। इसको मैं दो पार्ट्स में बनाऊंगा। तो ये पहला पार्ट है जिसमें हम सीखेंगे जो मेन धुन है, और जो दूसरा पार्ट होगा उसमें हम आगे का पार्ट सीखेंगे जिसमें थोड़ी एडवांस फ्लूट है। ठीक है दोस्तों, तो जब आप ये बजा पाएंगे तब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सर आप अब आप सेकंड पार्ट लाइए। और अगर आपको लिखे हुए नोटेशंस चाहते हैं तो आप मेरा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। अब एक बात आती है कि आप लोग बोलेंगे कि सर मेरे पास ये स्किल की फ्लूट है, बी स्किल की फ्लूट है, सी स्किल, डी स्किल, फलाना ढीम का। तो हम जानते हैं कि म्यूजिक में 12 तरह की स्किल होती हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको कि इस स्किल पर कैसे बजाऊं मैं, दूसरी स्किल पर कैसे बजाऊं, तीसरी स्किल पर कैसे। मैं 1000 बार बता चुका हूं कि जो कॉन्सेप्ट है वो सेम होता है, जो भी स्किल की फ्रूट है जो कॉन्सेप्ट है वो सब में सेम होगा। तो मैं आपको बताऊंगा, ए नेचुरल बेस फ्रूट पर इसकी स्किल है ए नेचुरल बेस, और जो कंपनी है वो मेरी ही कंपनी है, शिव्स म्यूजिक फ्लूट। तो हम जानते हैं कि जो बेस फ्लूट होती है वो 19 इंच से बड़ी होती है, यानी कि 19 इंच से बड़ी। इसकी जो लेंथ है वो है 23 इंच। तो पहले मैं एक बार आपको सुना देता हूं कि आप क्या सीखने वाले हैं इस वीडियो में, फिर मैं आपको उसको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरीके से आपको प्ले करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही प्यारी धुन है, ओ माय गॉड मूवी की ही है। तो अब इसको प्ले कहाँ से करना है और किस तरीके से करना है, तो आइए क्या करते हैं कि जैसे हम जानते हैं जो 3 होल क्लोज करके हैं उसको हम सा बोलते हैं। तो खास बात यह है कि इसमें सभी स्वर जो है वो शुद्ध लगेंगे, सारे ग म प ध नी सा। तो यानी कि जो आप अलंकार की प्रैक्टिस करते हैं जिसको हम थाट बिलावल बोलते हैं, थाट बिलावल मतलब कि सभी स्वर शुद्ध। तो आइए एक बार सरगम की प्रैक्टिस कर लेते हैं। सा रे ग म म पर आपको हाफ नोट लेना है, ठीक है, फिर ये प ध नी और ये सा, फिर लौट के जब आओगे फिर से सा नी ध प म ग रे सा। अब आप पीछे की तरफ भी जा सकते हैं, नी ध प, ये हमारा लो ऑक्टेव का हुआ क्योंकि इसमें लो ऑक्टेव भी प्रयोग हुई है, तो उसके लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए एक बार सरगम सुन लेते हैं। ये हुआ सा तक, फिर आप पीछे जा सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस आपको फ्रीक्वेंटली करनी है, इस पर आपकी कमांड अच्छे से होनी चाहिए तभी आप कोई धुन है वो बजा पाएंगे। तो एक बार सरगम की फिर से प्रैक्टिस सुनिए। तो इस तरह से आपकी जो फिंगर्स हैं वो चलने चाहिए। आप किसी भी गाने के पीछे मत भागिए, आप कॉन्सेप्ट के पीछे भागिए। वो डायलॉग है ना उसका, 3 इडियट्स का, कि सक्सेस के पीछे मत भागिए, सक्सेस झक मार के आपके पीछे आएगी। तो बस आप कॉन्सेप्ट पर फोकस कीजिए, और जो सॉन्ग है वो उसका एप्लीकेशन वाला पार्ट होते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो जो मेल फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट धुन है, फर्स्ट नोट है, वो आपको सा नोट से उठाना है। कैसे? सा, फिर रे, और रे के बाद आपको जंप करना है प पर। सा रे प, फिर से देखिए। अब इसमें क्या है, पहले आपको आगे की तरफ जाना है, फिर आपको पीछे की तरफ जाना है, आना है। सा रे प, फिर ध और आगे गए, फिर वापस लौट के आए। सा रे प प ध म ग रे, फिर से देखिए। अब फिर से देखिए, सा रे प ध प म ग रे। अभी तक हमने सिर्फ इतने नोट प्रयोग किए हैं, फिर से सुनिए स्लो मोशन में। तो
ठीक है। इसके बाद अब मैंने क्या किया, सानी रे रे गा रे सानी रे सा सा। अब पीछे की तरफ भी आप आ सकते हैं। अब एक बात ये कि आपको जो नोटेशंस है वो रटना नहीं है। आप लोग क्या करते हैं, गलती जो करते हैं वो नोटेशंस को रटने बैठ जाएंगे। उससे क्या होगा कि आपका जो माइंड है ना वो नोटेशंस पर ही फोकस रह जाएगा। आप धुन को समझिए, जो कंपोजिशन है उसको समझने की कोशिश कीजिए, और वो कॉन्सेप्ट आप बांसुरी पर अप्लाई कीजिए। हम जानते हैं कि बांसुरी पर एक तरफ आने पर साउंड मोटा होता है और दूसरी तरफ जाने पर साउंड पतला होता है। तो उस चीज को आप धुन में नोट नोट कीजिए कि धुन में कहां पर मोटा है कहां पर पतला है। फिर से एक बार नोट कीजिए। तो जो सबसे ज्यादा ठहरना है आपको वो सा नोट पर ही ठहरना है। सारे पा पा धा मा गरे गरे गा मा गरे सानी रे गरे सानी रे सा सा सानी धा पा सानी रे गरे सानी रे सा सा। फिर आपको ये चीज फिर से रिपीट करनी है दो तीन बार, जितनी भी बार उसमें सॉन्ग में लिया हुआ है। तो एक बार मैं आपको फिर से सुना देता हूं। तो इसकी प्रैक्टिस आपको कंटिन्यूअसली करनी है। अगर आप ये बजा पा रहे हैं फिर आप मेरे को बताइएगा कि सेकंड पार्ट में इसका कब ला, और कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं आपको जो भी प्रॉब्लम, या फिर आप और भी कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम अगले ही वीडियो में। और आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन जरूर कीजिए, वहां पर आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे और जो नोटेशंस हैं उनकी हिंट भी मैं आपको दूंगा, जिसको देखकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।